आज के वीडियो में न्यू मारुति ग्रैंड विटारा के प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे कि इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या इसमें मुझे कमियां लगी, मतलब कॉन्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्ट टू द पॉइंट कुछ पॉइंट्स आपको इसके एडवांटेज बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स इसके कॉन्स बताऊंगा। मतलब तो पहले प्रोज से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रैंड विटारा का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड है वो है कि इसमें आपको इंटेलिजेंट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। इस इंजन में क्या है कि एक ईवी मोटर भी लगाया गया है जिसकी वजह से ओवरऑल इंजन की एफिशिएंसी काफी बेहतर हो जाती है। और इस सेगमेंट में आप देखो तो यार कोई दूसरे ऑप्शंस है नहीं कि हाइब्रिड ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट टोयोटा हाई राइडर जो कि सेम गाड़ी है, बस टोयोटा बैजिंग के साथ है वो कुछ चेंजेस के साथ। तो हाँ, ये मेरे हिसाब से एक बड़ा इसका पॉजिटिव साइड है। सेकंड ग्रैंड विटारा का जो प्रोज है वो है इसका माइलेज। माइलेज में ऐसा है कि देखो इसमें दो इंजन मिलते हैं, एक है 1.5 लीटर का के सीरीज वाला स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि सभी मारुति में आपको देखने को मिलता है, जैसे नई वाली ब्रेजा देख लो और XL6 देख लो, इन सभी में देखने को मिलता है। तो इसमें जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसमें क्लेम माइलेज है 21.11 किलोमीटर पर लीटर, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो माइलेज क्लेम है 20.30 किलोमीटर, और जो इसका ऑल ग्रिप मतलब इसका ऑल व्हील ड्राइव वाला जो वेरिएंट है उसमें क्लेम माइलेज है 19.38 किलोमीटर पर लीटर, जो कि भाई बहुत ही कमाल का माइलेज है इस सेगमेंट के हिसाब से। और हाँ, इसका जो इंटेलिजेंट हाइब्रिड वाला इंजन है ना, तो मैंने बोला ना इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो इसका क्लेम माइलेज है 27.97 किलोमीटर पर लीटर का। आप इमेजिन करो इतनी बड़ी गाड़ी जो कि 4 मीटर से बड़ी है और आपको 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के दे रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो भाई इससे कमाल का माइलेज मुझे नहीं लगता है कोई दूसरी गाड़ी इस सेगमेंट में एटलीस्ट ऑफर कर रही है। थर्ड प्रोज है इसका कमाल का एक्सटीरियर और प्रीमियम इंटीरियर। अब देखो अगर आप इसका एक्सटीरियर देखोगे ना तो अभी काफ़ी फ्रेश लगता है देखने में, साइड से देखो पीछे से देखो भाई बहुत ही कमाल का लुक लग रहा है। तो डेफिनेटली इसका लुक भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है। फ्रंट से भी आप देखो भाई कितनी शानदार लग रही है गाड़ी, तो लुक भी एक बड़ा इसका पॉजिटिव साइड है। और इंटीरियर तो भाई बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, जैसे आप ये एक एग्जांपल के लिए आप देखो जो इसका पुश बटन स्टार्ट है उसमें कितना ज़्यादा क्रोम यूज़ किया गया है जो कि ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। इंटीरियर में सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किए गए हैं, डैशबोर्ड में हो या फिर डोर पैडिंग हो, तो ओवरऑल पूरा इंटीरियर बनता है ना बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। सीट में वेंटिलेटेड सीट्स हैं और काफी हैवी पैडिंग के साथ आती है। और हाँ, इसी के साथ अगर यहाँ पे फीचर्स बताऊं तो फीचर्स भी बहुत कमाल के हैं। नई वाली ग्रैंड विटारा में आपको लगेगा नहीं कि भाई मारुति का प्रोडक्ट है ये, क्योंकि मारुति के प्रोडक्ट में हम ज्यादा फीचर्स अभी तक एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लेकिन इसमें फीचर्स भी बहुत कमाल के हैं। एग्जाम्पल वेंटिलेटेड सीट है, वायरलेस चार्जिंग है, एम्बियंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर, पुश बटन स्टार्ट, मतलब जितने प्रीमियम फीचर्स हम दूसरी कार्स में देखते थे अभी तक वो सब कुछ आपको नई ग्रैंड विटारा में मिलेगा। कनेक्टेड फीचर्स भी है, पैनोरामिक सनरूफ भी है भाई, तो ये भी देख लेना आप। तो हाँ, डेफिनेटली इसका लुक्स एक्सटीरियर से या प्रीमियमनेस भी अभी इसका एक एडवांटेज आप काउंट कर सकते हो। फोर्थ प्रोज है कि इसके बेस मॉडल से ही आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से होगी ये कि इसकी ब्रेकिंग बहुत ही कमाल की हो जाएगी थ्रू आउट द वेरिएंट। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बेस मॉडल लोगे तो अच्छी ब्रेकिंग नहीं होगी या टॉप लोगे तो बहुत अच्छी होगी, सब में सेम जैसी ब्रेकिंग मिलेगी क्योंकि चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट वाले व्हील्स में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर वाले में सॉलिड डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि भाई बेस मॉडल से ही चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। प्रोज इसलिए भी है कि यार ये चारों डिस्क ब्रेक है ना, ये सभी कार्स में आपको नहीं मिलेंगे बेस मॉडल से। हाँ, कुछ कुछ कार्स ऑफर करती हैं बट सभी में एटलीस्ट तो नहीं मिल रहा है आज के टाइम के लिए। फिफ्थ प्रोज है कि इसमें आपको सेगमेंट फर्स्ट हेडसअप डिस्प्ले देखने को मिलता है। हेडसअप डिस्प्ले आपने ब्रेजा में देखा होगा, बलेनो में देखा होगा, तो मारुति ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और इन सभी कार्स में इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आप ये जो सेगमेंट देखो जितनी भी इस सेगमेंट में गाड़ी आती हैं जैसे क्रेटा, कुशाक, टाइगर, इन किसी में नहीं मिलता, तो ये भी एक प्रोज है कि भाई हेडसअप डिस्प्ले दिया गया है ग्रैंड विटारा में। फिर कूल थोड़ा सा मॉडर्न टेक वाला फीचर लगता है यहाँ पे। तो ये पाँच इसके प्रोज हो गए जो कि मेरे हिसाब से इसको खास बनाते हैं। अब कॉन्स देख लेते हैं। तो ग्रैंड विटारा का जो सबसे पहला कॉन्स मुझे लगा वो ये है कि इसमें यार डीजल इंजन नहीं मिलता। अब डीजल इंजन का देखो बहुत सारे अभी बायर्स ऐसे हैं जिनको डीजल इंजन चाहिए, और एक बात होती है ना कि भाई जैसे बड़ी गाड़ी है ना, 4 मीटर से बड़ी है, लगभग 43 mm का इसका पूरा लेंथ है, तो इस सेगमेंट में यार लोगों को लगता है कि भाई मुझे डीजल इंजन चलाना है, तो यार मारुति ने ग्रैंड विटारा में ऑप्शन ही नहीं दिया, या आप ये कह लीजिए कि भाई मारुति के पास अभी डीजल इंजन है ही नहीं, तो हाँ ये डेफिनेटली कमी लगेगी। फिर ऐसे में होगा ये कि भाई वही बायर्स फिर क्रेटा में शिफ्ट होंगे, सेल्टॉस में शिफ्ट होंगे, या फिर हैरियर वगैरह या थोड़े बड़ी गाड़ी में शिफ्ट होंगे, है ना, क्योंकि इसमें डीजल इंजन नहीं है। ठीक है, हालांकि कुछ और कार्स हैं इस सेगमेंट में जो कि डीजल इंजन ऑफर नहीं करती हैं, बट आप अभी इसकी बात कर रहे हैं। सेकंड ग्रैंड विटारा का कौन सा है कि देखो अभी इंजन चलो इंटेलिजेंट हाइब्रिड मिल गया, दो इंजन भी दिए गए, लेकिन पावर की कमी है।
जैसे आप देखो जो नॉर्मल वाला इंजन है 103 bhp प्रोड्यूस करके देता है और जो हाइब्रिड वाला इंजन है वो मैक्स पावर प्रोड्यूस करके देता है 113 bhp की। जैसे कि आप सेगमेंट के हिसाब से देखो तो ये पावर डेफिनेटली कम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्रेटा में आप देखो तो 3 इंजन का ऑप्शन है ना, नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड, फिर टर्बो पेट्रोल, फिर डीजल। टर्बो पेट्रोल की पावर लगभग 140 bhp के आसपास की जाती है, टॉर्क भी भाई 270 प्लस जाता है, 270 प्लस न्यूटन मीटर। तो कहीं ना कहीं पावर टॉर्क में ये अपने राइवल से थोड़ा सा पीछे है, और इसमें शायद अगर टर्बो इंजन होता, टर्बो पेट्रोल, तो पावर बढ़ जाती, बट है नहीं। तो यार थोड़ा सा आपको ना पावर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, टॉर्क में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये कौन से जो कि आप देख लेना। थर्ड कौन सा है कि भाई आज भी पता नहीं क्या है मारुति, क्योंकि भाई 5-speed ट्रांसमिशन ही देता जा रहा है मैनुअल में। यार मुझे लगता है कि भाई 6-speed का ट्रांसमिशन होना चाहिए, सभी गाड़ी दे रही है। आप देखो छोटी छोटी कार्स में भी आने लग गया, नेक्सॉन जो कि 4 meter से छोटी है, सोनेट, इन सभी में। तो सोनेट एवेन्यू की तो बात ही छोड़ दो, उसमें बहुत सारे ट्रांसमिशन के ऑप्शन है। तो यार इसको एटलीस्ट यार 6-speed का मैनुअल बना के देना चाहिए था, बट आज भी 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है इतने सारे फीचर्स देने के बाद, इतनी अच्छी गाड़ी बनाने के बाद। तो ये भी एक कमी है भाई, है ना, कि भाई अगर आपको 6-speed ट्रांसमिशन चाहिए तो यार कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। और 6-speed का बेनिफिट यार हाईवे में एक्चुअल में मिलता है, अगर बड़ी गाड़ी है, बड़ा इंजन है, तो वो आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। बट इसमें नहीं है तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा आपको कमी खलेगी, बट हाँ देखने में तो यार कमी लग रही है मुझे। 6-speed होना चाहिए मेरा ऐसा मानना है। वैसे भी यार ट्रांसमिशन ज़्यादा है भी नहीं, एक ऑटोमेटिक दे दिया, मैनुअल ट्रांसमिशन दे दिया, फिर एक ECVT दे दिया हाइब्रिड वाले के लिए। तो बस इतना ही है, आप बताओ इसमें से कौन सा प्रोज आपको मैटर कर रहा है। वीडियो सही लगे लाइक करो।